सो गाइज, आज हम जा रहे हैं मुंशारी। तो सुबह के बज गए हैं 10, इंतजार हुआ हमारा खत्म मुंशारी जाने का। मुंशारी में मम्मी की सगी बहन रहती है, तो उनके घर हम जाएंगे और सबके सब हो चुके हैं रेडी और हमें कुछ छोड़ने भी आ रहे हैं। और चाची लोग भी जाएंगे, चाची अपने मायके जाएगी अपने मम्मी पापा के पास, वो थोड़ी देर में जाएंगे। हम निकल गए हैं, मौसम देखो एकदम बारिश जैसा होने वाला है और मुंशारी में तो वैसे बहुत ठंडा होता है, तो अभी से हमने जैकेट वैकेट रख लिया है और स्वेटर वेटर पहन लिए ताकि ठंडा वंडा ना लगे। और सुन्नू को पापा लेके चले गए हैं नीचे, तो वो लोग वहाँ जा रहे हैं नीचे और हम भी अब निकल रहे हैं। क्या बोल रहे भाभी? हेलो, ये हमारी भाभी, ये सब सामान अकेला जा रही है। हाँ हाँ, वो दिखा दिया मैंने, ये पतिदेव लेके जा रहे हैं सामान। अच्छा ना, काम करने दो थोड़ा। और ये हमारे परिवार वाले हमें छोड़ने आ रहे हैं, सी ऑफ करने आ रहे हैं, तो चलो चलते हैं। हम लोग घूमने जा रहे हैं, ये लोग मुंशारी जा रहे हैं। हाँ बोलो बोलो, कल वापिस आ जाएंगे घर। ये है बुआ जी, ये घर के बच्चे लोग, हम बैठ रहे हैं गाड़ी में, ये हमें छोड़ने जा रहे आए थे, अब ये लोग जाएंगे घर। चलो ओए चलिए दोस्तों, चलते हैं मुंशारी की तरफ और वो दिखा देती हमारा गांव, हमारा घर। जैसे जैसे हम ऊपर को जा रहे हैं वैसे वैसे मौसम भी खराब होता जा रहा है। और ये दिखा देती हूँ आपको वृत्ति फॉल, जहाँ पे अभी हम जाएंगे। वृत्ति हमारे पहले गांव हुआ करता था और लैंडस्लाइड होने की वजह से पूरा का पूरा गांव धस गया, चला गया। और अब यहाँ पे पूरा पेड़ पौधे हैं, ये देख सकते हो, बहुत लोग आदमी मर गए इसमें, पूरा गांव ही दब गया था। पूरा कुछ था ही नहीं कि मकान ना था, बस मतलब 100 लोग तो होंगे गांव में ना, पता नहीं कितने होंगे, बाहर के आदमी का तो पता ही नहीं है। 100 लोग के आसपास में यहाँ पे लोगों की मृत्यु हुई है, गाय भैंस बकरी उनका तो फिर कोई है ही नहीं। 1 करोड़ का अच्छा दुकान थी, होटल था, सब बह गए लोग उस दिन, तभी तो बोला हम तो सो गाइज, अभी हम थोड़ा रुके हैं, पानी प्यास लगी थी, तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ। शुद्ध पानी मिलता है यहाँ पे पहाड़ों का, तो ये रहा पानी जहाँ से भी हमने पानी भरा। और अब हम आगे जाएंगे, मौसम बहुत ही सुहाना है, तो जैसे जैसा जो जो मुझे पता चलता जा रहा है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं क्योंकि टूरिस्ट प्लेस भी है साथ साथ में। और अब हम जाएंगे इस वाले पहाड़ पे, तो ये पहाड़ पे राउंड 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 लगा के कहीं को जाना है, इतना मुझे सुनने में जो पता चला है अभी। बाकी बर्खी बर्खी वाटरफॉल है ना, बिरथी फॉल में अभी जाएंगे, वाटरफॉल में जाएंगे अभी हम, तो वहाँ रुकेंगे नेक्स्ट। सुन्नू अभी सो रही है और मम्मी भी यहाँ पे है, कुछ बोलना चाहोगे देड़ी हो तो? हेलो दगड़ियो, नमस्कार, सदा खुश रहो। और मुंशारी जा रहे हैं आज हम, जो है यह क्यों कौन ला, यो सबसे बड़ा पत्थर है वाला, ये एक ना गिर कौन सा, ये वाला पत्थर गिर गो बिरथी, आगे वाला पत्थर देख, बिरथी होने है यो, ये सो ये कर रहा, ओह अच्छा वो देखा ही नहीं मैंने, पत्थर सबसे बड़ा पत्थर है वाला, सबसे हां विश्व में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पत्थर, आगे चल के देखेंगे। चलो मैं आपको लेके चलते उधर, सबसे बड़ा पत्थर यही है, इससे बड़ा पत्थर कोई है नहीं, देखो कितना बड़ा। और यहाँ पे लैंडस्लाइड का भी खतरा रहता ही रहता है। तभी हम जा रहे हैं वृथ्वी वाटरफॉल और सुन्नू, हाँ टिकट भी है, रुको देती हूँ, तो मैं पहले बार पैसे निकाल रही थी, फिर मैं करती हूँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट। टूरिस्ट लोग भी आए हुए हैं जो कि देख रहे हैं, और यहाँ पे कुछ टिकट विकेट भी हैं वृथ्वी वाटरफॉल में जाने के लिए। और ये देखिए ले ली टिकट, तो चलो चलते हैं।
थी। तो यह है व्यू और वो देखो लंगूर, लंगूरों को देख के मुझे अपने एक पुराना ट्रिप याद आ गया जिसमें जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं फ़ोन को अंदर रख रही हूँ फॉर सेफ्टी पर्पस। ये देखो हस्बैंड और मम्मी आगे जाए जा रहे हैं। इस जगह को बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है क्योंकि यह एक टूरिस्ट प्लेस है। किड़मड़ ये फूल है। हाँ। कांटे भी होते हैं इसमें देख, ये काले होते हैं बाद में, ये बाद में बड़े दाने हो जाएंगे ना, फिर काले हो जाएंगे, अभी तो फूल ही फूल हो रहे हैं, इसमें कांटे होते हैं, देखा इधर ऐसे कांटे होते हैं। और ये फूल अभी लगेंगे, दाने नहीं लगे अभी। और ये देखिए सुंदर सा नजारा वाटरफॉल का, पत्थर देखो कितने बड़े बड़े हैं। कॉलेजा का दिना मंजू मैं कहूँ तेरी याद, तेरो लहंगा गोल्डन का गोल्डन की गरन को लाया गोल्डन का लहंगा तेरो आसमान जचादा, तेर मेरो गीत मेलो सब पार नाचा। बेटा आपका सौरभ कहाँ रहते, यहीं पर ही? कहाँ? प्यार से। कहाँ? प्यार से। तो कितना दूर है वो यहाँ से? आधा किलोमीटर। तो रोज जाते हो आप ऐसे? हाँ? रोज जाते हो आप ऐसे? हाँ। अच्छा, और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? फोर्थ में। आज छुट्टी है स्कूल की? हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा गया आपने। ब्रिती वाटरफॉल को देखने के बाद अब हम निकल चुके हैं ताईजी के घर यानी कि मुंशारी के लिए, क्योंकि हम रुक रुक के जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो टाइम से हमें पहुँचना भी है और मौसम भी धीरे धीरे ख़राब होता जा रहा है, तो फटाफट हम जाते हैं और दो तीन और जगह हैं उनको भी हम देखेंगे, उसके बाद हम जाएंगे ताईजी के घर। तो रास्ते में ही पड़ता है मंदिर, तो मंदिर में भी दर्शन करके आते हैं। सुनना, कहाँ आए हो मुंशाली? घंटी बजाते हैं आज, घंटी बजाएंगे मंदिर चलेंगे। हाँ, घंटी बजाते हैं। सो अभी हम मंदिर आए हैं। हाँ, मंदिर में जाके मत्था टेक कर आएंगे फिर आगे चलेंगे। ब्रूस के, ब्रूस नाम में ब्रॉस के फूल, इनको इन्हीं से जूस बनाया जाता है, रानी कहते हैं तो बहुत मिलता है। तो मम्मी जा रही है पीछे पीछे, मैं भी चल रही हूँ। गई अनिता फूल तोड़ने, ये देखो। ठंडा बहुत होने लग गया है और हवा भी चल रही है ऊपर ऊपर जैसे आप जा रहे हो, तो एक फोटो लेते हैं मम्मी पापा की भी और मंदिर में भी चढ़ाएंगे फूल। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं मुंशारी और ये है हमारा हेलीपैड। अगर आपको हल्द्वानी से मुंशारी आना है तो मुंशारी वाला जो आपका एयरक्राफ्ट है या फिर हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पे उतरेगा, यहाँ से आपको आना है। और यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ सुंदर सा व्यू मुंशारी का, और इतने सुंदर मौसम में ये तो बनता है भाई। तो चलो खाते हैं। सो गाइज हम आ चुके हैं अभी नंदा देवी
मंदिर जो कि बहुत फेमस मंदिर है। तो घर जाने से पहले हमने सोचा पहले यहाँ आ जाते हैं, माथा टेक लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे ताई जी के घर में। और ये देखिए पीछे बन रहा है मैप, मुंशारे में कहाँ कहाँ घूम सकते हो वो सब चीजें हैं और पूरा वो दिखा रखा है इस मैप के थ्रू। ये देखो अभी हम पहुंचे हैं नंदा देवी, ये देख सकते हो नंदा देवी ये लिखा यहाँ पे है। हेलीपैड वाला भी हमने आपको दिखाया था ये वाला, तो यहाँ पे अभी हम हैं, तो पूरा ये इसके अंदर है कहाँ कहाँ आप देख सकते हो। अच्छा सॉरी नंदा देवी तो यहाँ है, सॉरी ये है नंदा देवी और ये था हेलीपैड वाला माता रानी के। तो चलो दोस्तों चलते हैं माता रानी के दरबार में। सो गाइस ये रहा मंदिर, मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं आऊंगी ऐसे करके, और देखो किस्मत ने मुझे यहाँ ले आई माता रानी के दर्शन के लिए। यही है कि बुलावा आ जाता ना तो अपने आप ही इंसान सोचता भी नहीं है तो भी आ ही जाता है कैसे ना कैसे करके, तो फाइनली आज हम आ गए हैं। तो गाइस ये देखिए पहाड़ों के ऊपर ऐसा प्लेन होता है और ये रहा मंदिर नंदा देवी का, और ये देखिए व्यू, और बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। सो हम सोचे जल्दी से दर्शन कर लेते जब तक बारिश तेज ना हो। जाओगे मम्मी? सोचा था कभी आप तो आए होंगे पहले भी? मैं नहीं आई, यहाँ पर फर्स्ट बार आ रही। अभी फर्स्ट बार आ रहे हो? मैं भी बोल रही थी अपने व्यूअर्स को कि मतलब माता रानी का बुलावा आ जाता ना तो कैसे भी करके इंसान आ जाता है फटाफट। हमें देखो हमने सोचा भी नहीं और आ गए। तो आई हूँ पर यहाँ पे नहीं आई, आज आने अच्छा लग रहा है ना। वही तो यहाँ के ना अलग ही वाइब्स है सबकी, जो भी घूमने आए। और थोड़ा अभी इस टाइम बहुत अच्छा हो रहा मौसम मई जून में ना, अभी ये अप्रैल में मई में सबसे अच्छा रहता है। यहाँ पे सुन्नू बोल रही है मुझे भी मंदिर में घंटी बजानी है, तो पापा उसका हाथ पहुँचाने में लगे हुए हैं ताकि वो भी मंदिर में घंटी बजा सके। और मैं आपको दिखा देती हूँ चारों तरफ का व्यू, तो टॉप से कैसा लगता है। तो टॉप व्यू है ये इस पहाड़ का। तो हम आ चुके हैं माता रानी के दरबार में। जय हो माता रानी की। दिस इज द व्यू, मतलब क्या ही कहने ऐसे व्यू के। लोग आते दूर दूर से ऐसे व्यू देखने के लिए और हमारा तो घर ही इन पहाड़ों पर है। सल का बीज इसको क्या बोलते हैं हमारे यहाँ तक पहाड़ी पहाड़ में, ये हला शूंत शूंत बोलते हैं इसको, हला शूंत। पर ये बदर बीज ना हो यार अनिता, बीज निकल गए गिर गए। मस्त हो ये बादाम जैसे लगते हैं। खाए मैंने पहले भी खाने का, ये इस पेड़ में लगते हैं बिल्कुल, तो ऊपर होंगे अभी गिरे तो होंगे कच्चे कच्चे ना होंगे। ये पहाड़ी फल है यहीं पर ही मिलते हैं ये पहाड़ों में। ये चीड़ का पेड़ है ना मम्मी? हाँ चीड़ का पेड़ है, देखो इस वाले पेड़ में लगते हैं। अभी तो टाइम नहीं होगा ना मम्मी इसका, अभी लग रहा है, अभी नया लग रहा है, छोटे 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 ना, अभी टाइम नहीं इनका खाने का भी बनने का नहीं है। सो गाइस देखो हस्बैंड और मम्मी जा रहे हैं। हाँ चलो ठीक है मैं ऊपर आके बनाती हूँ वीडियो। ये फल ना अभी पके नहीं है, बने नहीं है, अभी इनका टाइम हो रहा है, मतलब बनने का प्रोसेस चल रहा है। एक बार ये बन जाएंगे सभी खाने लायक होंगे। नीचे से ऊपर डर नहीं लगा, वो देखो बहुत प्यारा व्यू। रात में बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से क्योंकि पूरी लाइट जलती है। ये नंदा देवी मंदिर